कि ईवीएम की जब काउंटिंग के लिए जब मशीन खोली गई तो उसमें 90% बैटरी थी। जो ईवीएम मशीन पूरे दिन चली हो और उसमें फिर भी 90% अगर बची हुई है बैटरी, तो इसका मतलब डाउट कहीं ना कहीं जाता है। ईवीएम का गायब होना यानी गड़बड़ी को संकेत करता है। तो इसीलिए लोकतंत्र का खतरा जो है, ईवीएम बन चुकी है, लेकिन जहां रूरल एरिया है, जहां अनपढ़ लोग रहते हैं, जहां उनको कुछ पता नहीं है, वहां पर अभी भी वीवीपैट मशीन नहीं लगी है। और वीवीपैट की पर्ची और वोटर भी देखे और देखने के बाद एक बॉक्स में डाल दे, उन पर्चियों की भी गिनती होनी चाहिए और ईवीएम पर जो डाटा आएगा उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। पीले चावल पहुंचाए जा रहे हैं, अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो है निमंत्रण दिया जा रहा है, तब देश कर्जे में नहीं डूबता। जब चुनाव की बात आती है, जब वीवीपैट की बात आती है, जब शिक्षा की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है, जब ठेकेदारी प्रथा हटाने की बात आती है, तभी इस देश में कर्जा होता है। 90% जनता जो कमेरा वर्ग है, जो टैक्स दे रही है, वो क्या चाह रही है? ये चुनाव प्रक्रिया फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप पीछे एक भीड़ देख पा रहे होंगे, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। मांग वही है, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। क्या समस्या है ईवीएम से, क्यों ईवीएम को हटाना है? देखिए, ईवीएम से जो है मैनिपुलेट करा जा सकता है, उससे जो है ईवीएम की मशीनों को आप जो है गायब करवा सकते हैं, ईवीएम की मशीन से डाटा को चेंज किया जा सकता है। अभी आपने चुनाव हुए थे 4 राज्यों के, उसमें देखा था कि ईवीएम की जब काउंटिंग के लिए जब मशीन खोली गई तो उसमें 90% बैटरी थी। जो ईवीएम मशीन पूरे दिन चली हो और उसमें फिर भी 90% अगर बची हुई है बैटरी, तो इसका मतलब डाउट कहीं ना कहीं जाता है। ईवीएम का गायब होना यानी गड़बड़ी को संकेत करता है। तो ईवीएम से जो है बहुत जल्दी हम जो है डाटा को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए लोकतंत्र का खतरा जो है, ईवीएम बन चुकी है और जहां से ईवीएम आई थी विदेशों से, वो लोग उसका बहिष्कार करके बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। तो भारत में ईवीएम क्यों, जब जहां जिसने पैदा किया वही ऑब्जेक्शन उठा रहा है, तो भारत में ईवीएम क्यों? और जो है ना, ये सवाल जो है जनता बार बार कर रही है। सवाल ये उठता है कि चुनाव का समय लोकसभा का बहुत कम रह गया है, क्या हम ईवीएम को हटा सकते हैं और क्या बैलेट पेपर को ला सकते हैं? देखिए, पूरे प्रोसेस में, पूरे देश में इलेक्शन होना है तो इसमें बहुत समय लगेगा। ईवीएम मशीनों को तो आप हटा नहीं सकते, बैलेट पेपर से तैयारी कर नहीं सकते। इसका ऑप्शन है, आप वीवीपैट मशीन लगवाइए। अभी इन्होंने वीवीपैट पर मशीन कहाँ लगवा रखी है? जहाँ जागरूक है सिर्फ वहीं लगा रखी है, लेकिन जहाँ रूरल एरिया है, जहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं, जहाँ उनको कुछ पता नहीं है, वहाँ पर अभी भी वीवीपैट मशीन नहीं लगी है। तुरंत वीवीपैट हर बूथ पे लग जानी चाहिए। बड़ी बात यही तो है कि भारत कर्ज में डूब चुका है, पैसे की तंगी है, इतने में फिर खर्चा बढ़ाना पॉसिबल है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, राम मंदिर पे अरबों करोड़ों खर्च किया जा सकता है, क्या तब देश कर्जे में नहीं डूब रहा था? जब माल्या, नीरव सब भाग रहे हैं, तब देश नहीं डूब रहा है? जब इस देश में जो है सारे स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी, और ऐसे में 1 लाख मंदिर बनने का ठेका सरकार दे रही है, तो क्या तब स्कूल में, तब जो है तो जनता के पैसे हैं, चंदा से आ रहे हैं। तो ये चुनाव किसके लिए होता है? चुनाव किसके लिए होता है? जनता के, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता के संविधान को बचाने के लिए, जनता की नौकरी बचाने के लिए, जनता के लिए सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। तो यानी जिस चीज से हमें सब कुछ मिलना है, तो वो क्या है? वो चुनाव है। तो सारा जोर देश को चुनाव पर लगाना चाहिए कि चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपका जो है ईवीएम मशीन जो है वीवीपैट के साथ लगनी चाहिए, और वीवीपैट की पर्ची
और वोटर भी देखे और देखने के बाद एक बॉक्स में डाल दे, उन पर्चियों की भी गिनती होनी चाहिए और ईवीएम पर जो डाटा आएगा उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए, फिर क्रॉस चेक होना चाहिए, इससे जो है गलती के जो चांस है, गड़बड़ी के चांस है वो कम हो जाएंगे। यही एक अल्टीमेट जो है रास्ता अब हमारे पास बचा है। मोदी जी इंडिया को डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया बनाना चाहते हैं, आप लोग फिर उन्हें कागजों में उलझे रहना चाहते हैं। देखिए अगर डिजिटल इंडिया बनाना है तो आपको डिजिटल इंडिया बनाना है तो आप इस तरीके से कीजिएगा कि कोई बूथ पे नहीं जाएगा, घर बैठे ही आप डिजिटल जो है वोट क्रिएट कीजिएगा कि घर बैठे ही जिस भी नेता को, और नेताओं की डिबेट जो है टीवी पे कराओ, जैसे फॉरेन में कराते हैं, जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनकी टीवी पर डिबेट चलती है, उनके कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, जनता घर बैठे ही अपने आप जज कर लेगी कि मुझे इस नेता को वोट करनी है और मोबाइल पर क्लिक करेगी और वोट उसकी जो है उस बंदे को चली जाएगी। अगर डिजिटल होना है तो पूरी तरह का डिजिटल होना, तो फिर ऐसे अगर एग्जांपल सेट किया जाए, भारत जो है सारे डीएम को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि अयोध्या के मंदिर के लिए स्पेशल ट्रेनें लगानी गई है, तब देश कर्जे में नहीं डूबता, हर घर में पीले चावल पहुंचाए जा रहे हैं, अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो है निमंत्रण दिया जा रहा है, तब देश कर्जे में नहीं डूबता। जब चुनाव की बात आती है, जब वीवीपैट की बात आती है, जब शिक्षा की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है, जब ठेकेदारी प्रथा हटाने की बात आती है, तभी इस देश में कर्जा होता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस जनता को 90% जनता जो कमेरा वर्ग है, जो टैक्स दे रही है, वो क्या चाह रही है, ये चुनाव प्रक्रिया फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि मंदिर वर्सेस अस्पताल क्यों होता है, तेजस्वी यादव के बयान पर मस्जिद वर्सेस अस्पताल क्यों नहीं होता है। देखिए ये लोग औरंगजेब वर्सेस करते हैं, अरे मैं कहती हूँ सम्राट अशोक वर्सेस करो ना, ठीक है, तो ये हमेशा जो मेन मुद्दा है उससे भटकाने की कोशिश करते हैं। अरे तो हम चलो तुम्हें मुसलमानों से जो है परेशानी है, इस्लाम धर्म हमने माना विदेशी है, क्रिश्चियन धर्म हमने माना कि विदेशी है, ठीक है, ईसाई धर्म हमने ये माना कि भाई जो हिंदू धर्म है वो यहाँ का नहीं है, क्योंकि इसे जो है बताया जा रहा है लोगों को तुम हिंदू धर्म है। लेकिन खुद मोदी जी और नीता अंबानी विदेशों में कहते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं, यानी बौद्ध धर्म यहाँ का मूल धर्म है, तो इस मूल धर्म को अपना लो, छोड़ो ना जबरदस्ती इधर उधर क्यों कर रहे हो आप लोग, तो इस मूल धर्म बौद्ध धर्म को अपनाने से ना तो आपका बलात्कार रुक जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म पंचशील देता है, नशा मत करो, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करो, जब पराई स्त्री को किसको गलत नजरिए से देखना ही नहीं है तो मन में जो है उन्माद नहीं होंगे, वो बलात्कार नहीं करेगा, दूसरी शादी का तो तीन तलाक का मामला भी हट जाएगा, तो मोदी जी की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। बौद्ध धर्म जो इस देश का मूल धर्म है उसको अपना लो, खत्म। यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बड़े अस्पताल की मांग कर रहे हैं, बिहार के जो अस्पताल है पहले उनको ठीक कर लें। देखिए हम इन्हें सिर्फ सिर्फ सबको गलत प्रूव करना है, नीतीश जी ने जातिगत जनगणना कराई, आर्थिक आंकड़े सब जातियों का बताए कि 10,000 आपका जो है जो सपेरा वर्ग है उसकी जनसंख्या है, 10,000 जो है कायस्थ समाज है, 10,000 में से 1,000 उनके डॉक्टर इंजीनियर और MBA करे हुए हैं, लेकिन जो 10,000 सपेरा वर्ग है उसमें से सिर्फ एक ही जो है पोस्ट ग्रेजुएट है डॉक्टर इंजीनियर की, तो दूर की बात है। तो ये भेदभाव मिटाने की बात जब नीतीश जी करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई महिलाओं के लिए उन्होंने क्या कह दिया, तो जैसे सावित्री बाई फूले पर लांछन लगे थे कि महिलाएं अगर पढ़ेंगी परले आ जाएगी, शास्त्र जो है जो खतरे में आ जाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो वही नीतीश जी पर भी अब अपवाद उठ रहे हैं। इन्होंने हर बात को लाके रोजगार को,
हॉस्पिटल को, शिक्षा को, हर किसी को आके उसके ऊपर धर्म को बिठा देना है कि धर्म से भावनाएं व्यक्त व्यक्त वो जो है इनकी मिटती है, वो होती है, बाकी 90% की कोई भावना नहीं है। अरे धर्म को फॉलो करेंगे, राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम मंदिर, राम को कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब राम की वो जमीन थी, मेरे नाम की रजिस्ट्री है, मेरा घर बना हुआ है, अगर राम की वो जमीन थी तो क्यों कोर्ट जाना पड़ा? ठीक है, क्यों जो है योगी को वहां पे स्थापित करना पड़ा कि भाई वो जो है आएंगे रामलला को लाने वाले, तब रामलला का मंदिर बनेगा। तो ऐसा है, रामलला में खुद का अपना कोई वर्चस्व है जो वो अपने वर्चस्व को बचा सके, उनमें कोई योग्यता ऐसी नहीं है। लगातार ईवीएम को लेकर जो है आवाज बुलंद हो रहे हैं, जंतर मंतर की सड़कें आप देख लें लोगों से भरी हुई हैं और मांग यही है कि ईवीएम बंद करो। वहीं अयोध्या की बात करें तो वहां पर तमाम मीडिया के एंकर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।